शाह हाउस को अलविदा कहेंगे वनराज, बेटी के संगीत पर बम फोड़ेगी अनुपमा। तूने किसी रिश्ते का मोल नहीं रखा, तो आज से कोई रिश्ता तेरा मोल नहीं रखेगा। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखेगा। स्टार प्लस का धमाकेदार सीरियल अनुपमा इन दिनों टीवी पर खूब धुआं उड़ा रहा है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा इन दिनों टीआरपी की लिस्ट में नंबर वन बना हुआ है। वहीं इसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए मेकर्स ने भी ठान लिया है कि वह इसमें ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाएंगे। बीते दिनों भी अनुपमा में दिखाया गया था कि बरखा पाकी की लालच को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। वहीं महंगी चीजें देखकर पाकी की आंखें भी चौंधिया जाती है। हालांकि उनका प्लान फ्लॉप करने के लिए वहां देविका आ जाती है, लेकिन अनुपमा में आने वाले मोड़ बस यहीं खत्म नहीं होते। अनुपमा संगीत की तैयारी के लिए शाह हाउस आती है, किसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अनुपमा से नाराज रहती है और उसकी तरफ ठीक से देखती भी नहीं है। अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा, हर कोई पाकी की शादी की तैयारी में लगा हुआ है। घर में जोर जोर से गाने बज रहे होते हैं। इसके शोर से परेशान होकर वनराज खुद को रोक नहीं पाते। वह घर से जाने का फैसला कर लेते हैं और अपना सामान लेकर निकलने भी लगते हैं। लेकिन वनराज को जाता देख पाकी ना केवल आंसू बहाती है बल्कि अपने पिता को मनाने के लिए गाना भी गाती है। उसका यह तरीका देख वनराज भी भावुक हो जाते हैं। पाकी की संगीत की तैयारी के लिए पूरा कपारिया परिवार शाह हाउस में आ जाता है, लेकिन अधिक वहां ना जाकर ऑफिस अपने काम के लिए चला जाता है। कि यह सब देखकर परेशान होती है। सब यहाँ एंजॉय कर रहे हो और तुम अकेले काम करते हो। अरे बाकी तुम और तुम्हारा गुस्सा, आई जस्ट लव इट, इट्स सो ग्रूवी। देख मैं सीरियस हूँ और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ मीटिंग के लिए, इसलिए बाकी जैसी एक बार मेरी मीटिंग हो जाए क्लाइंट से उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ओके। और इसी बीच वर्खा का उसके पास फोन आता है। वह अधिक को लेकर कहती है कि इतना बड़ा ऑफिस है, इतने सारे कर्मचारी है, लेकिन काम करने के लिए केवल अधिक को ही ऑफिस क्यों भेजा जाता है। यह बात सुनकर पाकी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा को पाकी की हरकतें पसंद नहीं आएगी। वह भरी महफिल में उसे तमाचा जड़ देती है। इतना ही नहीं, वह पाकी और अधिक को वहां से बाहर भी निकाल देती है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है अनुपमा में इस ट्विस्ट को देखने के लिए? और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या क्या होगा।